तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि टू ब्लॉक्स है, इज अ मास एम। ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास एम है और ये ब्लॉक है जिसका मास एम है। कनेक्टेड टू ए लाइट रॉड, ठीक है, कनेक्टेड टू ए एंड ऑफ द लाइट रॉड, मतलब मासलेस रॉड है। द फ्रेम इज रोटेड और द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से फ्रेम रोटेट कर रहा है। द टू रॉड टेंशन, इस रॉड में जो टेंशन है मैक्सिमम, यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंशन है, टेंशन मैक्सिमम पॉसिबल है टी नॉट, मतलब इससे ज़्यादा टेंशन होगा तो रॉड टूट जाएगा और ओमेगा बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगा। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड निकालना, विच फ्रेम विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द रॉड, बिना रॉड को तोड़े हुए, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना। ये लेंथ मैं मान लेता हूँ, ये लेंथ एक्चुअली क्वेश्चन में दिस लेंथ इज एल, और ये तो ये पूरा का पूरा फ्रेम यहाँ पे पिवोटेड है, तो इस पॉइंट पर अगर पिवोटेड है तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा होगा, इस टाइप के सर्कल में कुछ रोटेट कर रहा होगा, इस टाइप के सर्कुलर पाथ में पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा होगा। बच्चों, ऐसा डायग्राम बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, वी आर बेसिकली डूइंग द वेरी हार्ड वर्क, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो चलो, सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ, तो ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा तो सेंट्रिपिटल का कॉन्सेप्ट लगा के मैं इसको सॉल्व करूंगा, और इसी के फ्रेम से देखोगे तो सूडो लगा देना, सेंट्रिपिटल लगा देना, तो इस पे कितने फोर्सेज लगेंगे, ठीक है ना। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले तो इस पे टेंशन टी नॉट इधर लगेगा, और यही टेंशन टी नॉट ही सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम जी है, जो रिजिड सपोर्ट है, तो वो पकड़ के रखा होगा, तो वेट एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, जो एम जी है और जो रिजिड सपोर्ट है वो नॉर्मल अगर लगा रहा होगा इधर, तो वो तो ऑब्वियसली ये दोनों बैलेंस कर गए होंगे, तो उनकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मुझे एम जी और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली जो हॉरिजेंटल में फोर्स आएंगे मैं उनको कंसिडर कर रहा हूँ, तो हॉरिजेंटल में जो फोर्स आ रहा है वो ग्राउंड से टेंशन लग रहा है, तो टेंशन ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी, ठीक है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो बस आर की वैल्यू कितनी है, एल आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टी नॉट इज इक्वल टू मास कैपिटल एम है, आर की वैल्यू एल है, और ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एम और एल, और यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी तो वो मिलेगी टेंशन टी नॉट और 4 पाई स्क्वायर कैपिटल एम एल। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 पाई टी नॉट अपन कैपिटल एम और एल अंडर रूट। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, और अगर सेंट्रीफ्यूगल से करना चाहते हैं तो उसी पे बैठ के सूडो बाहर की डायरेक्शन में लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।